गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज बहुत दिन बाद मुखातिब होने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में आज मार्च 25 मार्च के बाद आज पहली बार एक दूसरे से मुलाकात हो रही है। और हिस्ट्री में ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग ने कुछ अध्ययन किया था। उस अध्ययन के दौरान हम लोगों ने स्टोन एज, पाषाण युग को समाप्त किया था और इंडस वैली सिविलाइजेशन में पदार्पण किए थे। तो आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में, चूंकि प्रीलिम्स का पेपर हो सकता है कि अक्टूबर में संभावित है कि अक्टूबर में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अक्टूबर में हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसको दृष्टि में रखते हुए कि किस तरीके से प्रीलिम्स क्वालिफाई करें और उसके बाद जो है मेंस पे हम लोग आएंगे। तो आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे पूरी हिस्ट्री का, उसमें सबसे ज़्यादा जोर हम लोगों को फैक्चुअल रहेगा, कॉन्सेप्ट के अलावा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रहेगा लेकिन फैक्चुअल पे ज़्यादा जोर दें। तो इस तरीके से आज हम फर्स्ट चैप्टर आप उठा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, जहाँ शायद हम लोगों ने क्लास में कुछ थोड़ा सा अध्ययन किया था, उसके बाद से क्लास पोस्टपोन हो गई। तो आज जो स्थिति चल रही उसमें लग रहा है कि हम लोगों को आपको ऑनलाइन ही टीचिंग करने का मौका प्राप्त होगा। तो आप लोग थोड़ा सा हम लोगों से अटैच हो जाएं और चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करें। जो भी चीज़ आपको लगे नोट करने लायक है उसको आप नोट करते रहिएगा। देखिए, सिंधु सभ्यता, जैसे नाम से स्पष्ट है कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता क्यों सिंधु सभ्यता कहलाती है? हमने देखा है कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में जब दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खुदाई की, तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। ठीक, हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम के बाद इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा, इसलिए कि ये सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है था उसके इर्द गिर्द सारे स्थल मुझे प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। लेकिन इसके उपरांत जब 1947 में मेरा भारत आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो उस बंटवारे में अधिकांश स्थल मेरे पाकिस्तान में चले गए, लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण खोजें हुई उस खोजों में सर्वाधिक स्थल भारत में प्राप्त हुई। 1947 के पहले भारत में सिर्फ 40 स्थल पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के 40 स्थल प्राप्त हुए थे, लेकिन 1947 के उपरांत करीब 1400 स्थलों का प्रकटीकरण हुआ, पता लगाया गया। 1400 स्थल में अधिकांश स्थल हमारे भारत में और कुछ स्थल पाकिस्तान में रहे। तो भारत में जो स्थल रहे वो हमारे सरस्वती नदी के घाटी के आसपास रहे, इसलिए इस सभ्यता का नाम बाद में कुछ इतिहासकारों ने सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जानने की कोशिश की। तो हम लोग देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता है उसको तीन नामों से जाना जाता है। पहला एक हड़प्पा सभ्यता, इसलिए कि यहाँ पे सबसे पहले पता लगाया गया। दूसरा सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों का पता लगाया गया। और तीसरा जो हमारा है वो सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। अब चूंकि अधिकांश स्थल हमारे भारत में, इवन की 80% 80% स्थल हमारे भारत में प्राप्त हुए, उसमें से अधिकांश स्थल गुजरात प्रांत में पाए गए, इसलिए अधिकांश विद्वानों ने अब इसका नाम सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से इसको जानने की कोशिश की गई। अब हम आते हैं कि ये सभ्यता कैसे विकसित हुई, अचानक एक हमारे यहाँ नगरी सभ्यता का उदय कैसे हुआ।
इसके लिए मैंने आपको जब स्टोन एज पढ़ाया था तो उस समय मैंने कहा था कि ये सभ्यता स्वतः विकसित नहीं हुई, मतलब ये सभ्यता ये अचानक नगरी सभ्यता के मूड में नहीं आई, इसके पृष्ठभूमि थे। पृष्ठभूमि में क्या था कि हमारे इसके पहले की जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी, जो ताम्र पाषाणिक छोटी छोटी बस्तियाँ थीं, तो उसमें पहले कृषि समुदायों का विकास होना इसकी सभ्यता के मूल में जो कारण था। उदय की पृष्ठभूमि क्या थी, जरा डस्टर रख दीजिएगा, उदय की पृष्ठभूमि में कई कारण थे। पहला कारण आप देखिएगा, पहला कारण यह है कि कृषि समुदाय का विकास। दूसरा कारण क्या था, ग्रामीण बस्तियों का क्रमिक विकास। आप लोग पृष्ठभूमि में जाइएगा, जब हम स्टोन एज पढ़ा रहे थे, स्टोन एज के बाद जब हम आपके प्रारंभिक ताम्र पाषाणिक सभ्यता में आए थे, उस दौरान क्या हुआ था। तीसरा क्या है कि ईरानी बलूची तथा सिंधु घाटी के स्थानीय संस्कृतियों का विकास। संस्कृतियों का विकास ये हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के पृष्ठभूमि में कार्य कर रहे थे। तो छोटे छोटे जो हमारे अफगानिस्तान के जो क्षेत्र थे, जहाँ मुंडीगाक, सूरतगोई, देह मोराशी घुंडई नामक स्थान थे, पाकिस्तान में भी कुछ थे जो बलूचिस्तान की बस्तियाँ थीं, बलूचिस्तान में कुल्ली, क्वेटा, नाल और मेहरगढ़ जो हमारे पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से सिंधु नदी का जो क्षेत्र था, जहाँ आमरी, कोटदीजी, चंदुअदड़ो, ये हमारे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के पूर्व की बस्तियाँ जो प्राप्त होती हैं, इनसे हमारी ये सिंधु सभ्यता का विकास होता है। सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होती है। अब हम देखते हैं कि इसके उद्भव के दो मत, पहला एक विदेशी मत और दूसरा एक स्वदेशी मत। विदेशी मत में हमारे जो इतिहासकार हैं, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन पीसीएस में, आईएएस में भी आया है कि सिंधु सभ्यता के विदेशी मत के विषय में किसने अपना थॉट प्रकट किया है। तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, आप हेडिंग डालिएगा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें आपका पहला नाम आपका जॉन मार्शल, दूसरा मार्टिमर ह्यूलर, तीसरा गार्डन चाइल्ड, चौथा क्रेमर, पांचवा डीडी कौशाम्बी। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये विदेशी मत का सिद्धांत है। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि हमारे सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है, जो ये नगरी सभ्यता के रूप में प्रकटीकरण हुआ है, इसके पीछे एक विदेशी सभ्यता काम कर रही थी। यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता को इन्होंने कारण बताया है सिंधु सभ्यता के नगरीकरण का, ठीक। लेकिन ये 1960 के पहले ये मत ज़्यादा प्रचलित था, और 1960 के उपरांत हमारे जो स्वदेशी मत, इवोल्यूशनरी जो थ्योरी मेरी आई है, इसके पहले ये डिफ्यूजनिस्ट थ्योरी थी, और जो इवोल्यूशनरी थ्योरी आई है उसमें इन्होंने कहा कि इस सभ्यता के
पीछे हमारे विदेशी लोगों का महत्वपूर्ण हाथ नहीं था। विदेशी लोगों का हाथ सिर्फ कहाँ तक था, वो सिर्फ हमारे व्यापार और संस्कृति को थोड़ा सा प्रभावित किए थे, इसके अलावा उदय में इनका महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। तो इसके पीछे जो पृष्ठभूमि हमारी बनी थी वो स्वदेशी, तो स्वदेशी के लिए इन्होंने कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने स्वदेशी के लिए अपना मत प्रकट किया था, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा लिखिएगा स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, उत्पत्ति का सिद्धांत। स्वदेशी उत्पत्ति में जिन इतिहासकारों ने अपना मत प्रकट किया है उसमें आपका राखालदास बनर्जी, अमलानंद घोष, फेयर सर्विस, और डीपी अग्रवाल, इन इतिहासकारों ने जी स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा है, बोर्ड पे स्पष्ट नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं हो रहा, इन इतिहासकारों ने स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया कि हमारे यहाँ जो हमारे स्वदेशी हमारी जो संस्कृतियाँ थी, जो ग्रामीण संस्कृतियाँ थी, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ थी, वो हड़प्पा सभ्यता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, आज इसी मत को हम लोगों ने अपनाया है, इसी मत को मानने के लिए हम लोग बाध्य हैं, चूँकि इसके पीछे कई कारण हैं। जब हम इसको सुमेरियन सभ्यता से तुलना करते हैं तो वहाँ हम जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है वहाँ खंडित हो जाता है। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में है क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहाँ कच्ची ईंटों के घर बने थे, सिंधु सभ्यता में पकी ईंटों के घर बनाए गए, मेसोपोटामिया में मंदिरों का साक्ष्य प्राप्त होता है और सिंधु सभ्यता में मंदिरों का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। यहाँ के नगर एक सुनियोजित जाल के समान थे, वहाँ बेतरतीब नगर प्राप्त होते हैं। यहाँ के जो लिपि थी वो चित्रात्मक चित्राक्षर लिपि थी और मेसोपोटामिया की लिपि हमारी केलाक्षर नुमा लिपि थी, इसलिए ये मत मेरा खंडित हो जाता है और ये विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत हम अब मान्य नहीं है। अब हम आते हैं कि अब मैं आता हूँ इसके प्रमुख स्थल कौन कौन थे, इसके प्रमुख स्थल कौन कौन थे। तो आप अफगानिस्तान का मुंडीगाक, शोर तुगोई, दूसरा पाकिस्तान में तीन, एक बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, बलूचिस्तान में आपका मेहरगढ़, कुल्ली, क्वेटा, दम्ब शादात, पिराक दम्ब आदि क्षेत्र। स्पष्ट आ रहा बोर्ड पे,
इसमें आप फिर सिंधु का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, उसमें आपका आमरी, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, आप लिख लीजिए, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुडी रोदड़ो इत्यादि, ये सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में पाए गए, जो सिंध नदी घाटी के क्षेत्र में। इसी में पाकिस्तान में तीसरा है पंजाब। पंजाब में लिख लीजिए आप लोग, हड़प्पा, जलीलपुर, शरायखोला, रहमान ढेरी इत्यादि, ये हड़प्पा के क्षेत्र, ये पंजाब के क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम भारत पे आते हैं। भारत में किन किन स्थानों से सिंधु सभ्यता के क्षेत्र प्राप्त होते हैं? तो उत्तर में सबसे पहले आप देखते हैं जम्मू कश्मीर, उसके उपरांत आप नीचे आते हैं तो पंजाब, फिर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश। ये क्षेत्र ऐसे थे जहाँ से हमारे सिंधु सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं। अब हम इसको कल नेक्स्ट पीरियड में इन क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा ही क्लास रहेगा और उसके बाद जो है कल हम विधिवत इसके विषय में आपको, और किसी भी सभ्यता के आपके कई पहलू होते हैं जो आपको उसको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इन क्षेत्रों में इसका अध्ययन करना पड़ता है। तो हम कल इसको विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, थैंक यू।